दोस्तों नमस्कार। अगले कुछ मिनटों में हम विजुअल इमेजरी का प्रैक्टिस करेंगे। एक गाइडेड विजुअलाइजेशन मेथड के मदद से मैं आपको चैंपियंस के विजुअल इमेजरी सीक्रेट्स को अपनाने में मदद करूंगा। आइडिया ये है कि आगे चल के जब भी संगीन परिस्थिति में आपको जबरदस्त परफॉर्म करने की चुनौती मिले, आप धुआंधार परफॉर्म करें। धड़कने तेज करने वाली उन संगीन परिस्थितियों में अपने कॉन्शियस माइंड को सरपास करते हुए अनकॉन्शियस स्टेट में सुपरसीडिंग परफॉर्मेंस को अंजाम दे पाए। तभी अपनी तैयारी की खातिर मैं आपको इनवाइट करूंगा अपनी बाहरी वातावरण में जो भी शोर है, डिस्ट्रैक्शंस है, उन्हें ब्लॉक कर ले और खुद को एक शांत स्पेस देते हुए बैठ जाइए। बहुत खूब, मुझे विश्वास है आप इस जबरदस्त दिमागी यात्रा मेंटल कंडीशनिंग प्रैक्टिस के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। बैठते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जेंटली आंखें बंद कर ले। बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग मोशन। पूरी तरीके से स्ट्रेट बैठते हुए अब आगे इंस्ट्रक्शन पे गौर करें। विजुलाइजेशन से पहले दिमाग और शरीर को तैयार करने के लिए इस पोस्चर में बैठना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके स्पाइन के बेस में स्थित सेक्रल प्लेक्सस यानी कि कुंडलिनी में आपकी असीम शक्ति एक बंडल ऑफ नर्व्स में बंधी हुई है। और जैसे ही आप स्ट्रेट पोस्चर में बैठते हो, इस कॉइल्ड अप पावर को यानी कि ये जो बंधी हुई जबरदस्त एनर्जी है आपके स्पाइन के बेस में, उससे आप मुक्त करते हो, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ऊपर की तरफ जाने में हेल्प करते हो, ताकि दिमाग तक ये एनर्जी पहुंच पाए और वहां से सारे शरीर में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तभी दोस्तों, इफ यू आर नॉट ऑलरेडी सीटेड, स्ट्रेट पोस्चर में बैठ जाइए। जेंटली अपनी आंखें बंद कर ले। अपने स्पाइन के बेस, गर्दन के क्षेत्र में हमारी जो रीढ़ की जॉइंट है वो, और हमारे सर का जो ताज है उसे एक स्ट्रेट लाइन में रखते हुए बैठ जाते हैं। इमेजिन करें कि स्पाइन के बेस से आपकी एनर्जी जो कॉइल्ड अप है, जो अब बंधी हुई है, वो अब मुक्त हो गई, शरीर में एनर्जी प्रवाहित हो रही है। इसे महसूस करें। दिस इज अ साइन ऑफ लाइफ। ये एक प्रूफ है कि आपके पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस एनर्जी को यूज करके अपनी उपलब्धियां को एस्टेब्लिश करने की। इसे महसूस करें। बहुत बढ़िया, ग्रेट। हमने बॉडी को बहुत हद तक तैयार कर लिया है विजुअलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाने के वास्ते। अब हम अपने दिमाग को तैयार करेंगे। मन में 1-2 काउंट करते हुए एक लंबी सांस अंदर ले और 1-2-3-4 काउंट करते हुए सांस को बाहर छोड़े। एक बार फिर से 2 के काउंट में इनहेल करें और 4 के काउंट में एक्सहेल करें। बहुत खूब। एक्सहेल करते हुए सांस की लंबाई दुगनी होनी चाहिए। इससे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत रखने में मदद मिलती है। हमारे शरीर में बसी सबसे लंबी नर्व फाइबर वेगस नर्व को इससे रिलैक्सेशन मिलती है। सो एक बार फिर से 2 के काउंट में इनहेल करें, जरा सा लंबा एक्सहेलेशन 4 के काउंट में करते हैं। लवली। और अब डीप ब्रीदिंग करते हुए जिंदगी में हुई अब तक आपकी बड़ी अचीवमेंट्स को याद करें। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद के छोटी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स के लिए एहसानमंद नहीं फील करेंगे, हम आगे की तैयारी नहीं कर पाएंगे। बहुत खूब। याद करें अपने उन सारे उपलब्धियों को जिसके कारण आप आज इस आयाम तक पहुंच पाए हो।
Deeply feel the gratitude in your heart for the grace. बहुत खूब। अब जरूरी ये होगी कि हम अपने पिछले दिनों के अचीवमेंट से अपनी मेंटल अटैचमेंट को तोड़ डाले, खुद को मेंटल लेवल में बंधन मुक्त करें, क्योंकि इस जिंदगी में आपकी सक्सेस और आपका वजूद पास्ट के किसी भी मटेरियल अचीवमेंट में नहीं टिकी हुई है। वजूद और आपकी सक्सेस बस आपके प्रेजेंट मोमेंट में स्थित रहने की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। तभी दोस्तों नेक्स्ट इनहेलेशन में अब तक हुई सारे अचीवमेंट्स के लिए जबरदस्त ग्रैटिट्यूड फील कर और एक्सहेलेशन के वक्त अपने सारे उपलब्धियां हायर पावर्स को या अपने मददगारों को समर्पण कर दिए। बहुत खूब। एक बार फिर से दो के काउंट में इनहेल करें और चार के काउंट में एक्सहेल करें। सुपर। अब हम विजुअल इमेजरी के सबसे जबरदस्त फाउंडेशनल कदम रखेंगे। एंशिएंट इंडियन योगा इसे प्रत्याहार प्रैक्टिस कहते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स कॉल दिस फ्लो कंडीशनिंग। ये एक्सरसाइज आपके ब्रेन रिदम को स्लो करेगी ताकि एक्सटर्नल सेंसेस से आती हुई इनपुट्स को उकसाव को ब्रेन शट डाउन कर पाए और इनवर्ड लुकिंग हो पाए, अंतर्मुखी हो पाए। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे अल्फा ब्रेन स्टेट कहते हैं। तो दोस्तों तैयार हैं आप? बहुत खूब। टेक ए डीप ब्रेथ दो के काउंट में और एक्सहेल करें चार के काउंट में। नेक्स्ट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त नोटिस करें आपके कानों तक इस वक्त कौन कौन सी आवाजें पहुंच रही है। अपनी पूरी एनर्जी को कानों तक डायरेक्ट करें। इस वक्त आपके लिए सबसे स्पष्ट साउंड कौन सी है? क्या ये मेरी वॉयस है या कोई आपके रूम में चल रही एसी या फैन की आवाजें हैं या घड़ी की टिकिंग है? क्या आप अपने ब्रेथ को सुन पा रहे हो? डीप कानों के अंदर भी एक अजीब तरीके से कान बज रहे हैं, क्या आप उस आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या दूर चल रही किसी की बातें आपके कानों तक पहुंच रही है? कोई ट्रैफिक की भी आवाज है? जबरदस्त। अगले इनहेलेशन में अपनी पूरी ध्यान को अपने शरीर पर हो रहे सेंसेशंस तक ले आइए। सिर्फ नोटिस करें इस वक्त आपके शरीर में हो रहे कौन सी टेक्टाइल सेंसेशन सबसे स्पष्ट है। इज दिस द फ्रिक्शन ऑफ योर बम विथ योर सीट? क्या आप अपनी पहनी हुई कपड़ों के साथ हो रही शरीर की फ्रिक्शंस को एहसास कर पा रहे हो? बहुत खूब। व्हाट अबाउट योर ब्रीदिंग सेंसेशन? इनहेल और एक्सहेल करते हुए क्या आप अपने नॉस्ट्रिल्स के इर्द गिर्द चल रही हवा की प्रवाह को एहसास कर पा रहे हो? क्या शरीर में कहीं दर्द भी है? बस ऑब्जर्व करें। तो आइडिया इज नॉट टू जज व्हाई इज दिस हैपनिंग, जस्ट ऑब्जर्व करनी है। बहुत खूब, जबरदस्त। अब अगले इनहेलेशन में पूरी ध्यान को अपने आंखों की रोशनी तक ले आइए। आंखों को बंद रखते हुए नोटिस करें इस वक्त आपके आंखों की रोशनी के लिए क्या उपस्थित है। आई नो दोस्तों बंद आंखों से देखने की हमारी प्रैक्टिस नहीं, पर आप बंद आईलिड्स के इस छोर में बसी डार्कनेस को, अंधेरापन को नोटिस करें।
क्या आप इस अंधेरापन को भेद करती हुई रोशनी के प्रवेश को देख पा रहे हो? अगर आप अपनी पूरी ध्यान लगाओ तो आपके आईलिड्स के स्किन के भीतर सेल्स के कोशिकाओं के डांसिंग पैटर्न्स को भी नजर कर पाएंगे। ये भी मुमकिन है कि बंद आंखों से अपनी मन की बनाई हुई कई छवियां आप स्पष्ट देख पा रहे हो। कंग्रेचुलेशंस। अगले डीप ब्रीदिंग में आपकी पूरी अटेंशन को ले आइए एकत्रित रूप से उन सारे साउंड्स जो इस वक्त उपस्थित है, बॉडी में हो रहे सारे सेंसेशंस जो आप नोटिस कर पा रहे हो, सारे छवियां जो आपके लिए उपस्थित है। जबरदस्त, ये आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में बसने की एक नायाब ह्यूमन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस थी। कंग्रेचुलेशंस, बहुत खूब। अब आप पूरी तरीके से तैयार हो विजुअल इमेजरी के लिए। सुपर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लंबी सांस ले और विविडली इमेजिन करें और कल्पना करें कि अपने हृदय में सालों से पाली हुई अपनी चहते ड्रीम को आप अचीव कर चुके हो। अपने सक्सेस को वास्तव में साकार होते हुए स्पष्ट रूप में, पूर्ण रूप में अपनी कल्पना में देखें। उस वक्त आपके सराउंडिंग्स में जो भी वातावरण है उसे एक्सपीरियंस करें। आपकी मूवमेंट्स पर गौर करें, एक्सपीरियंस करें। गौर करें आप किस किस्म के कपड़े पहने हुए हो, आसपास कौन कौन से लोग हैं, क्या बातें हो रही है। स्पष्टता से एक एक शब्द, वॉइस के टोन्स को आप सुन पा रहे हो। आपको कौन उस वक्त बधाई दे रहे होंगे, या आप एकांत में अपने आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। आइडेंटिफाई करें आपके अंदर क्या फीलिंग्स हो रहे हैं। Experience that moment of success. जबरदस्त। अब एक लंबी सांस ले और इमेजिन करे दो जरूरी बदलाव जो हो चुकी है आपकी जिंदगी में इस जबरदस्त सक्सेस के वजह से। इमेजिन करे उस वातावरण के कलर्स को, उन सर्कमस्टेंसेस में आपकी फीलिंग्स को। बहुत खूब, जबरदस्त। अब एक लंबी सांस ले और इमेजिन करें उन तमाम बाधाओं को जिन्हें आपको ओवरकम करने पड़े, अभिभूत करने पड़े इस जबरदस्त सक्सेस को हासिल करने के वास्ते। इमेजिन विविडली एक या दो चीजें जो आपको ऑब्स्टेकल्स के रूप में अपने रास्ते आगे बढ़ने से रोकती आ रही है। इट कुड बी एक्सटर्नल लाइक पॉलिटिक्स, मनी, कोई खास इंडिविजुअल, या तो इंटरनल लाइक कोई आपकी अपनी हैबिट जैसे इनडिसिप्लिन या एक साथ बहुत सारे चीजों को करने की प्रेशर, पर्सनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, हेल्थ एटसेट्रा। बहुत खूब। वंस अगेन डीप इनहेलेशन। फर्ज करें कि आप खुद की जिंदगी के ऊपर एक फिल्म देख रहे हो। आप गौर करेंगे तो जरूर नोटिस कर पाएंगे खास करके आपके कुछ इंटरनल बैरियर्स जैसे परफॉर्मेंस प्रेशर, एक्सरसाइज, खुद के डाइट या नॉलेज इश्यूज आपको कैसे बाधा पहुंचा रही है। डीपली एक्सपीरियंस करें उन बाधाओं से जूझने की अपनी असुविधा को। फील योर स्ट्रगल। बहुत खूब, जबरदस्त इंटेंसिटी। अब एक बारी फिर से एक लंबी सांस लें और खुद को उन बाधाओं से जबरदस्त लड़ते हुए देखिए। विविडली देखें आपकी मेहनत को। आइडेंटिफाई करें आपके अपनाई हुई प्रोसेस को जिससे आपके सारे बाधाएं आपके प्रोसेस के सामने
मेहनत के सामने छोटे पड़ रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से उन ऑब्स्टिकल्स को छोटे होते हुए देखिए। एक्चुअली सी देम डिक्रीजिंग इन साइज। इमेजिन करें आप बाधाओं को आराम से पार कर रहे हो। बहुत खूब। अब इमेजिन करें अपने ड्रीम्स को हासिल करने के बिल्कुल करीब होते हुए। खुद की इस ताबड़तोड़ तीव्रता को, इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस करें। अब इमेजिन करें स्पष्ट रूप में आप जीत में कदम रख रहे हैं। जीत आपकी हो चुकी है। आप अपनी ड्रीम्स को हासिल कर चुके हो। अपने मन में उस वातावरण को क्लियरली देखें, मानो नेचर आपकी जीत का जश्न मना रहे हैं। क्लियरली महसूस करें कौन कौन से लोग आपके आसपास हैं, क्या बातें हो रही है। उस वक्त कान में बजती हुई हर आवाज को एंजॉय करें, आइडेंटिफाई करें आपके अंदर क्या फीलिंग हो रही है, फील करें। बहुत हो। अब उन दो बदलावों को इमेजिन करें जो इस जीत से आप अपनी जिंदगी में साकार कर पाए। इमेजिन दैट। बहुत हो। अब मन ही मन उन सारे लोगों के प्रति अपनी ग्रैटिट्यूड को, एहसानमंदिता को महसूस करें जिनके बिना ये अचीवमेंट संभव नहीं होती। महसूस करें एहसानमंद होते हुए। इनहेल, सारे आशीर्वाद को फील करें जो आपको दी गई है, और एक्सहेलेशन के वक्त सारे ब्लेसिंग्स को उन तक पहुंचा दीजिए जिन्होंने आपकी मदद की। बहुत खूब। यू आर इन द बेस्ट स्टेट नाउ टू गो एंड फाइट इट आउट। वन लास्ट टाइम इनहेल, सारे आशीर्वाद को फील करें जो आपको दी गई है, और एक्सहेलेशन के वक्त सारे ब्लेसिंग्स को उन तक पहुंचा दीजिए जिन्होंने आपकी मदद की। बहुत खूब। अब एक डीप ब्रेथ कंप्लीट करते हुए अपनी सारी अचीवमेंट्स को, हायर पावर्स को समर्पण करते हुए हल्के से आंखें खोल लें। पहले अपनी नजर 2 से 3 सेकेंड्स तक खुली आंखों से ग्राउंड पे रखें, फिर मुंडी को सीधा करते हुए आगे देखें। बहुत खूब। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने एक जबरदस्त विजुअल इमेजरी की जर्नी ली। अपने मेंटल कंडीशनिंग प्रैक्टिस में खुद को अप्लाई किए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे विश्वास है इस विजुअलाइजेशन की नियमित प्रैक्टिस से आपको जबरदस्त शक्ति मिलेगी, और प्रैक्टिकली चुनौती के वक्त योर ब्रेन इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली टेक ऑन द सिचुएशन, और आप फ्लो में बिना एफर्ट के जबरदस्त तरीके से सारे बाधाओं को अतिक्रम करते हुए सक्सेस हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, सक्सेस के लिए बस आपको 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। 1, इस गाइडेड विजुअलाइजेशन मेथड को नियमित रूप से प्रैक्टिस करनी होगी। मेरी दावा यह है कि अगर आप हफ्ते में 2 बारी इस गाइडेड विजुअलाइजेशन वीडियो को यूज करके अपनी विजुअल इमेजरी की प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, लीडरशिप इंपैक्ट और परफॉर्मेंस विल बी 10x इन द नेक्स्ट 3 to 6 years ऑफ टाइम। जरूरी होगी कि जो भी आइडियाज आपको इस विजुअलाइजेशन के दौरान याद आए जिससे आप ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर पाए, उस आइडिया को तुरंत, इससे पहले कि आप कोई और एक्टिविटी के लिए निकल पड़े, लिख डालिए। हर बारी जो भी आइडियाज ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए आएंगे उसको लिख डालनी है, एंड देन कमिट योरसेल्फ टू लिव बाय दैट प्रैक्टिस एवरी डे। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अगली बार लेके आ रहा हूं एक पावरफुल वीडियो आपके लिए, द एसेंस ऑफ मेंटल कंडीशनिंग इन बिजनेस, स्पोर्ट एंड आर्ट। सो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपसे जरूर मिलना होगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा।
अगर ये कंटेंट अच्छी लगी तो तीन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज दैट विल गिव यू बडीज जिनके साथ आप जिक्र कर पाओगे और अपनी लर्निंग को डीपन कर पाओगे। ये बेहद जरूरी है पर्सनल लर्निंग जर्नी में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। आई लव यू ऑल।